नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। हाल ही में जो है सबसे बड़ा जो है खबर नरकटियागंज से आ रहा है, जहां पे हाल ही में 2 दिन पहले जो है वहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको जो है वहां के कॉलेज टीपी वर्मा कॉलेज के जो है प्रोफेसर सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है उस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े लोग वहाँ के जो अभी चुनाव में लड़ने वाले जितने भी वार्ड पार्षद हैं उन लोग भी जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे उस सभा के आयोजन में। माननीय सांसद भी जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे, हमारे लोकसभा सांसद सुनील कुमार कुशवाहा जी, एवं कई सारे जो है वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े लोग भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। हर खेल की जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग से पहले एक हम लोग हिंदुस्तान में है कि जब कोई भी खेल या कोई भी टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो उसको जब अच्छे लेवल पर जब उसकी कराया जाता है तो उसके स्टार्टिंग से पहले जो है राष्ट्रगान जो है चलता है शुरुआत से पहले। सेम प्रोसीजर वहां पर भी हुआ, हाई स्कूल प्रांगण के जो फील्ड है उसके अंदर में जब राष्ट्रगान वहां से शुरू हुआ तो सारे लोग जब राष्ट्रगान के समक्ष में जो है खड़े हो जाते हैं और खड़ा होकर के जो है सम्मान देते हैं। लेकिन अभी जो वीडियो एक वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि एक टीपी वर्मा कॉलेज के एक टीचर हैं, वो जो है राष्ट्रगान पे सारे लोग खड़े होकर के जो है राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो एक चेयर पर बैठे हुए हैं जिस वीडियो को जो है अब कुछ युवा साथियों के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि यह हम लोग राष्ट्रगान का जो है अपमान किया जा रहा है। हालांकि ये पूरी प्रकरण पर जो है अब यह बहुत बड़ा जो है अपना एक विस्तृत रूप जो है लेने जा रहा है और इस पे आरोप प्रत्यारोप जो है चालू हो गया। इसमें अब ये हिंदू और मुस्लिम का भी जो है दायरा इसमें घुस गया है। टीचर को बैठते हुए देखा गया है, वो बताया जा रहा है कि वे टीचर जो है वो मुस्लिम है और वहां पे अब हिंदू और मुस्लिम की जो दाव पेच है वह यहाँ पे जो है खेली जा रही है। हालांकि देखिए, जब बात राष्ट्र की अस्मिता पर हो और राष्ट्र के गौरव और सम्मान की बात हो तो वहां पे हमें हिंदू और मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई की सब धर्मों में हमें नहीं बांटना चाहिए। हमें राष्ट्र हित में जो है खड़ा होना चाहिए और राष्ट्र हित के लिए बातें करना चाहिए। राष्ट्रगान जो है हमारे देश के लिए वह बहुत ही बड़ा गौरव की बात है और उस जब भी राष्ट्रगान कहीं पर भी होता है तो हम कहीं पर भी हम खड़ा हो जाते हैं और उसके सम्मान में। लेकिन जहां पर हो रहा है और एट द टाइम यदि वहां पे कोई बैठा हुआ है वहां पे इसको जो है अपमानित यदि कोई कर रहा है तो उसपे मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है या एक सूझी समझी साजिश है। यदि कोई भी चीज हो उनको इस सारे मामला पे जो है सामने आकर के अपने इस तथ्य की जो है जानकारी देनी चाहिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इस वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल ही सही है, जांच होनी चाहिए या जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आकर के सफाई देनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई तो या तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। नहीं हुआ, यदि कोई सोची समझी साजिश के तौर पर किया जा रहा है तो उस वीडियो की खंडन जो है जांच करके और उससे जो भी आरोप और प्रत्यारोप है उसको खंडित करना चाहिए। हालांकि अभी इस पूरे मामले को कुछ युवाओं के द्वारा जो है अब अनुमंडल पदाधिकारी को एक पत्र भी सौंपा गया है कि इस राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कई सारे जो है आप एप्लीकेशन देखिए जो आप लोगों के सामने जो है हम स्क्रीन पर रख रहे हैं, इसको आप लोग देखिए। इसमें कई सारा जो है तथ्य और मुद्दा को रखा गया है कुछ लोगों के द्वारा और बाकायदा बताया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग भी हैं जो इस चीज को जो है ले जाकर के अनुमंडल स्तरीय तक रखे हुए हैं। हालांकि वीडियो में आप देखिए कि एकदम निश्चित ही सारे लोग खड़े हैं राष्ट्रगान के सम्मान में, लेकिन उसके बावजूद भी एक टीचर को बैठे रहना, जिस टीचर का खुद ही मकसद है कि बच्चों को जो है देश प्रेम और देशभक्ति के विषय में बताएं समझाएं और उनको जो है गौरवशाली इतिहास की तरफ जो है ले जाए, लेकिन यदि टीचर इस प्रकार से यदि करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और जो है दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और इन पूरी प्रकरण पे जो भी हो वहां पे जो वीडियो है हमारे अनुमंडल के या जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं इन सभी लोगों को जो है इस वीडियो की सत्यता की जांच करके और जो है इस पूरे मामला को जो है जल्द से जल्द जो है सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि यह मामला ऐसे ही बढ़ता चला गया तो मुझे लगता है कि यह एक धार्मिक रंग ले लेगा और धार्मिक रंग ले लेगा तो उससे किसी और की नुकसान नहीं होती है, आम जनता की ही नुकसान होती है या लोगों को ही नुकसान होगी। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते बस मैं यही कहूंगा और मैं पदाधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो की पूरी सत्यता की जांच करके जल्द से जल्द इस मुद्दे को जो है सुलझाने की कोशिश करें।
हालांकि मैं अभी नरकटियागंज में उपस्थित नहीं हूँ। यदि मैं नरकटियागंज में उपस्थित रहता तो मैं टीपी वर्मा कॉलेज में जाकर के उनसे बात करता जरूर कि हाँ क्या कुछ है। हालांकि मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर लूंगा और उनसे बात करूंगा, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है बातचीत जो हमारे बीच हुई उसको जो है सार्वजनिक करूंगा। लेकिन जो भी चीज हो, हमें इसको जो है धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। देश हित के लिए यदि कोई भी मुद्दा हो तो उसको हमें सभी को मिल करके उठाना चाहिए, और देश की अस्मिता की बात हो तो वहां पे जो है किसी प्रकार का कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र जो होता है वह सर्वोपरि होता है, और सबसे पहले हमें राष्ट्र हित के लिए सोचना चाहिए। बाद में हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। जब हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारी राष्ट्र की अस्मिता रहेगी, हमारे राष्ट्र का गौरव बचा रहेगा, तो हम भी जो है बचे रहेंगे और हम सभी एक दूसरे के साथ मिल करके और अपना जीवन यापन जो है करेंगे।